दोस्तों, रिलायंस जियो के यहाँ पे डीटीएच की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी की और क्या क्या फीचर्स इसमें मिलेंगे आपको, इसकी प्राइस क्या होने वाली है और क्या ये फ्री होने वाला है कुछ दिनों तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं सामने की तरफ बात करूँ इसके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक यूएसबी पिन ड्राइव पोर्ट, जिसमें आप यूएसबी पिन ड्राइव लगा के यहाँ पे लाइव प्रोग्राम को आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर आपका कोई मीडिया कंटेंट है तो उसको आप भी आप डीटीएच के थ्रू प्ले कर पाएंगे। अगर पीछे की तरफ बात करें तो इसमें आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, जिससे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं अपने डीटीएच में। तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ ऐप्स या इरोज नाव या ऐसे ही कुछ वीडियो कंटेंट आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप वीडियो सब्सक्रिप्शन भी ले पाएंगे और काफ़ी अच्छे से वीडियो का मज़ा भी उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं, कि ऐसा बताया जा रहा है कि जियो का जो सेटअप बॉक्स होगा, इसकी प्राइस जो रखी जाएगी वो 1500 से 1800 के बीच में होगी और साथ ही साथ ये आपको 6 महीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एसेस मिलेगा, यानी 6 महीने का आपको फ्री में यूजेस आप कर पाएंगे। उसके बाद जो प्लान बताया जा रहा है वो 180 का पर मंथ के हिसाब से है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सस्ता है और डीटीएच प्लान के मुकाबले। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, तो देखते हैं कब तक ये आता है। हालांकि जल्दी ही आने वाला है क्योंकि टेस्टिंग पे है ऐसा बताया जा रहा है। तो देखना होगा कि और इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।